ये तो गेहूं आ गए कौन सा रही फूल मती आला की दादी खावा कान खजूरे तू कौन है रे जमूरे जमूरा देखो ना तने मैं ऐड बड़ा नोल रहा और नेवड़ के बच्चे तू मेरे खेत में के कर था हां बताऊं डट जा एक बात धो लेंदे आ धोगा घूमता था तू आड़ा ना और मैं आड़ गेहूं बैठ के जलेबी तारू था हट जा मैं तोड़ूंगा तेरी जलेबी की साक्षी कड़ा गहरा लठ जैल सिंह जल्द तो जल्द कटवा ले इस फसल ने ना तो गांव के आड़ा चढ़ा चढ़ा खारू में फूक देंगे ने थोड़ा करना पड़ेगा यू काम तुम आजकल छोरी आले भी पीसा देखस है पीसा बाबा छोरा कुवारा रख दिया गे पीसे कमाने की तो मैं बता दूंगा तो बैठे लो जी ये चिदानी चाह पी लो ओहो गांव गुआंडा की सुप्रसिद्ध ठेकेदारनी मैडम जी आपने के जरूरत पड़ गई थी कष्ट ठाने की वाह जी वाह मेरे तो तड़क तड़क भाग फोड़ दिए मेरा मतलब भाग खोल दिए मन्ना लागत रे इज्जत अजम नहीं होंगी ना ना आपने के जरूरत थी मैडम जी कष्ट ठाने की आपके मजदूरा ने भेज दें दे लसन मितू नाउ यू आर मार्केटिंग मी एंग्री यू आर वर्किंग इज ऑलवेज मेकिंग एंग्री मी एवरी टाइम एनी टाइम नया चाय पीनी है कौन पीनी आ किस्म को माखी पड़ जाएगी जप्पी बगा असल में ना कुत्ते की हजम नहीं हुआ करता तू मन ना कुत्ता को है यू इचिंग बिच इचिंग बिच इचिंग बिच का क्या मतलब वो है इसका मतलब है खजली कुत्ती तो किस आदमी है मितू अपनी लुगाई ने खजली कुत्ती कहा है अरे तू किसी लुगाई है पूनम जो अपने मर्द ने कुत्ता कहा है कम से कम खजला कुत्ता तो कौन कंदी हाँ उससे की कसर रह रही है वो भी कह दे मैं तो भी मुहावरा कौन थी चुप चल लिए ने यो कप दर कचा गाड़ते हैं अरे चली जाड़ते हैं नहीं दो मिनट लागे तेरे मुंह की लकोकती सी फोड़ दूंगा यू के गिरया ये पी लिया ना मठे निरे खाटी रासी पीण का तू लास्टी तो मेरे खातिर भी रख दिए बू दिन वाले डिनर में लूंगा ये को राजा लास्टी का चसड़ू सीत बिना खंडन बेटे बू तुम दोनों नु करो सेट देनी दाती ठा लो क्या पिताजी किसकी मुंडी कटनी है ओ बहू तू भी जमा घनघोर फुद्दू है दाती के कुंसी मुंडी कटिया रे बता अरे जमाई नहीं बता दाती के तो हाथ काटिया रे मुंडी तो भी आ रही गेल काटिया करे है बता बाबू किसके हाथ काटने हैं ओ मेरे मुंडे ओ मेरी मुंडी पिताजी वो पंजाबी च मुंडी नी कुड़ी हुंदा बेटे जिसी तू है नी तू तो मुंडी है मुंडी की बेबे मुंडी पूनम मुंडी तू किसे दंदरे पड़ा है ध्यान तो सुनो मन्ना तारे के लिए रसीली बात करनी है ओ बाबू मेरे गेला करनी है सौ कर ले इसी सी रसीली बात पूनम गेला करनी ठीक नहीं है ओ पागल बाबू का मतलब रसीली नहीं सीरियसली है सही कहा स्क्रिप्ट लिखनी है ना एक आप अंग्रेज ने दूसरा आप अंग्रेज समझ सका है ओ हेलो तू ये होगा आप अंग्रेज हम तो पूर्ण रूप से विकसित अंग्रेज हाँ अरे बात तो मैंने नू बेरा है जब मैं शुरू शुरू में आई थी ना बाबू कई में कया करता अगर मैंने रसीली बात करनी है रसीली बात करनी है एक बार तो मेरे भी नू होया के बांड है बुढ़ा बहू मतलब पिताजी फिर मैंने एक दिन कह दी कर लो फिर उसके बाद पिताजी को बहुत सीरियस बात करन लग गई बस उसे दिन तक मैंने बेरा लग गया अगर रसीली नहीं सीरियसली देखा इस घर में बहु है जो मेरा सही ऑपरेशन करे है अंग्रेजी ठीक कर लो अपनी ऑपरेशन को नहीं हारदा कॉर्पोरेशन हो अरे तू बात ने छोड़े रसीली बात सुने हाँ सुना दे अपने क्यों दिखे हैं दाऊ पक रहे हैं तोड़ा को कंपेन वाला टोकर ना कटवा दे काल तीर तेरे भी की मैं फिक्र फाकर नहीं थी आज ही तू नहीं तोड़ता रहा के बात से अरे उड़ा लंगार का लंगार जा घूमने खेत में कभी गुआ चढ़ा दिया नहीं तो देख ले बहू पीछे में मट्टी की डलिया की जगह गुह की डलिया आया करेंगी
ओहो पिताजी, ये इतनी फ्लर्टी बात ना करो आप। अरे ओ भाई अंग्रेजो, ना बोल लिया करो अंग्रेजी में, तो तुमने ठीक करने में रह लिया। फ्लर्टी को नहीं हारदा, डटली आग रहे। अरे तू इन डटली फटरलिया छोड़ने मेरे आ रहे, बड़ा पोन्नेर का लाग रही है कैंपेन, जाके उसके लिए बतला ले, अरे अपने में बंटवा दे। चल ठीक से बाबू, मैं पूछता हूँ और फिर आज कटवाए देंगे। ओहो गर्मी बहुत हो रही है, तू नू कर वो एक लासी का जग और एक गुड़ का थेपड़ा लिया, भूख भी लग रही है मैंने। ठीक है पिताजी। राम राम भाई साहब, कंपेन चल रही है के? ना, रेपर चल रही है। अच्छा आप नहीं है के? लग गए शकल देख के। शकल देख के तो यहाँ लग गया भाई साहब, तड़का तड़का दम उठका रहे हो। भाई साहब कमाल कर दिया, के बात बुझा दिया करोगे? बुझा भी दिया करा और सुझा भी दिया करा। बुझा दर्द दे दी, सुझा नाली बता। भाई साहब सुझाने के तो रहने दो। अच्छा नू बताओ आप काम के आए थे? अरे दो किल्ले में कंपेन सेंडवानी है, नू बता कोट भाई बिठा दिया कर भाई। भाई साहब आप इशारा करो, कार्रवाई तो मैं नू बिठा दूंगा गेल के गेल। इशारा किसा? इशारा किला का ना, कौन से किले है अपने? इशारा तो कुतरुआ का निकल रहे हैं। अरे हम तो गांव के शाही परिवार के आदमी है ना भाई। कौन से परिवार के? शाही परिवार के। मेरा मतलब कौन से शाही परिवार के? नू कौन मेरा? अरे बोली पूछे, मैं गांव के सुप्रसिद्ध आदमी जैल सिंह का सुपुत्र हूँ। जैल सिंह का? तारी ना काटा कोई बाल भी, तू बात करे किले की। क्या तरह की मतलब से तेरा? मेंबर साहब ने नू कह रखी है, इन नंगड़ा को कोई किला काटेगा ना, उसकी कंबाइन और रैपर दोनों बैन कर दूंगा। थारा ना काटा कोई किला काला, जा क्यों चप्पल तोड़ांदा फिरा है। अच्छा रे, हाँ जा, तू टाइम खराब कर रहा है, बन्ने सोची के रखूं आ गया। अरे ओ ढंग तो बोल ले, नहीं मेरे साला दे गए न्याड़ रीपर में, गात की तूड़ी सी उड़ा दूंगा। जा चला जा घर का नोले, समार भी दिया करू मैं, ऐसा देखा ना सकाल का डंडू के तना तो मैं फिर देखूंगा, पहले तो मेंबर ने सुलट लूं। कहनी कंपनी नाला साला मेंबर सेद गटे ने कौन मान्या ने, कोई बात नहीं सुसरे तना मैं देखूंगा। साला मूली का चार दिमाग खराब कर दिया। अच्छा तो यह बात है, अरे काल तही तो गांव की लुगाई है बाड़ इकट्ठी करके बेचेर था, और आज उस चोटी पड़गी इतनी मत होगी जो शाही पनीर ते भी शाही जैल सिंह क्या गड़ागा। मैं तो नुकू बाबू लेकर जेली मेरे साले की छत्ती में बिठा दे, दो मोरे बना दे छत्ती में, सांस नहीं आवे। और मैं तो न्यू कहूं बाबू लेकर कुआड़ी और उसके गाट के गलूर गलूर से घिना दे, तू जिंदा नहीं बचना चाहिए बस मेरा साला। दो पाड़े दोनों उत के साले। अच्छा मैं उसका मर्डर कर दूं और मर्डर करके जेल में जाकर चाकी पीसूं, मरना सारा बेरा है, तुम दोनों मने घर मत काटने की एक स्कीम लाओ हो। हाँ हाँ ना ना पिताजी, ऐसा तो हमारा कोई मकसद नहीं था, और मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। यू सोच दो तो बेरा नहीं। मैं थोड़ी सोच सकूं ईसा बाबू, यू सारा कर दे इस चमड़ी हुई का है ना, तो टेंडर भरती और ना उस मेंबर के लिए दुश्मनी बनती। सी ऑलवेज गिव मी डिफिकल्टी। मी डिफिकल्टली? यू डिफिकल्टली? तुम चुप हो जाना मेरे यारे, सब दिन घर में काकी लड़काम काम करे जाएंगे। मेरी ध्यान तब बात सुनो, इसका तो एक इलाज है। के बाबू? अपनी अपनी दस्ती ठा लो, लामणी का हत करनी पड़ेगी। है? मैं आते लामणी करूंगी। तू नहीं करती हो, तेरी माँ ने बुला ले, या देव का करनी पड़ेगी। अरे ना कहो तो इसी डाल करूंगी। अरे भूल गई अपने घर आकू कर दो कुल्फिया में सब बदन पुली डोया कर दी। वो कुल्फी चा दो की जगह चार चूस लिए, पर लामणी तो इनका आते होगी। बाबू आते तो लामणी कर लेंगे, लेकिन ना पता मन से तीन सा किले दो कई दिन लाग जाएंगे और मानस चाहिए अपन। फिर मानसा की थारा तो कमी है, ये बुला लन थारे से लोग हम उसने खान का टाइम पता वो पड़ गया जी की तेथन में चढ़ के, ये काम के टाइम पर बुला लो ना उसने। ओह बुआ की ताव थी वे, अर जा भी गई तो उन्हीं गोड्डे मुड़ो उसके, पता कित की लामणी करेगी वह। जब उसके गोड्डे नहीं मुड़ दे ना तो गिला उस स्लेट ने बुला लो। बहु मेरा मतलब है कि आपके दामाद स्लेट सिंह ने बुला लो। बात ऐसी है, पूनम लामणी करेगी तब, रेणु आएगी जब, नहीं तो भूल जाओ इस बात ने, फॉरगेटिंग एवरीथिंग ऑलवेज। ओह बेटे मीते तू अंडरस्टैंड कर लेगी मैं बाबू ने कर लिया मैंने भी तेरे भी अंडरस्टैंड। बाबू तू एक काम कर, एक खाट एक पंडा लेके खेत में चल, रेनू ने मैं बुलाऊं।
की करा तू बाबू? तू खेत में चलते नोड़े समझाऊंगा। अरे तू तू भी खड़ी ले पाड़ी तितली खा खा कर फूल दिया हुआ रोज की थोड़ी लामनी करेगी तो किमें कम होगी। तन्ने क्या रहा सुख दिया हुआ है ले यू जेनर का डब्बा खा ले। दूं कितने जेनर का डब्बा सिरी टक दिए को नहीं जमा अंग्रेज की बच्ची हो रही है। बाबू चल खाट वाले जिसका पोआ टूट रहे।